इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। कुमारी शैलजा जी, फूलचंद मौलाना जी, चंद्रमोहन जी, के राजू जी, अकरम खान जी, रामकिशन गुर्जर जी, सुमित्रा चौहान जी, सुभाष चौधरी जी, आप सबका भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आपने बहुत इंतजार किया, मुझे लंबे भाषणों की आदत नहीं है, दिल की बात कहने की आदत है, कुछ दिल की बातें आपसे कहूंगी। देखिए, आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती नौजवानों के लिए रोजगार पैदा करना, किसान का विकास करना, महिलाओं को सुरक्षित रखकर उनका भी विकास करवाना, यही सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। 2014 में जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी और आपके प्रदेश में भी बनी, तो बहुत उम्मीदें थीं, आशाएं थीं, जिनकी वजह से आपने इनको भारी से भारी बहुमत से जिताया। आपके सामने बड़े 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 प्रचार किए गए थे, नौजवानों को ये वादा किया था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएंगे। लेकिन पिछले 5 सालों में आपने क्या देखा? 5 करोड़ रोजगार घट गए। नोटबंदी की वजह से, सिर्फ नोटबंदी की वजह से 5 लाख रोजगार कम हुए। रोजगार बनाने के बजाय इनके शासन में रोजगार खोए गए। मनरेगा जो एक ऐसा प्रोग्राम था जिससे ग्रामीण रोजगार मजबूत होता था, जिससे मजदूरी मिलती थी 100 दिनों की, उसको दुर्बल कराया गया। जो मनरेगा के कार्य मजदूरों से कराए जाते थे, वे आज जेसीबी ठेकेदारों द्वारा कराए जाते हैं, ताकि जो मनरेगा की मजदूरी है वह भी समय पे नहीं मिलती। नोटबंदी करके आप सबको कहा गया कि बहुत बड़ी देशभक्ति है, आप कतार में खड़े हो जाइए, अपने पुराने नोट बैंक में ले जाइए। लेकिन क्या हुआ? आपको कहा था कि देश में जितना भी काला धन बाहर है वो देश में वापस आ जाएगा। 1 भी रुपया काला धन वापस नहीं आया। आप कतार में खड़े हो गए। आपने कभी किसी अमीर आदमी को कतार में खड़े हुए देखा? उस समय कभी कोई भाजपा का नेता देखा? आप ही खड़े हुए थे। यह देशभक्ति की बात उन्होंने आप तक सीमित रखी। उन्होंने कहा कि सारा धन वापस आएगा, लेकिन 1 रुपया नहीं आया। इससे किसका नुकसान हुआ? जनता का नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ, मेरी बहनों का नुकसान हुआ जिन्होंने अपनी छोटी मोटी बचत की थी। किसी अमीर आदमी का नुकसान नहीं हुआ। और इससे ऊपर जब इन्होंने नोटबंदी की, तब शहरों में जो रोजगार मिलते थे वो घटे। जब शहरों में घटे और लोग वापस अपने गांव आए, तो पता चला कि मनरेगा भी दुर्बल है, मनरेगा के जरिए भी नौकरियां नहीं मिल रही। इस तरह इन्होंने नौजवानों को प्रताड़ित किया इन 5 सालों में, कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में घूम आई हूं, जहां जहां जाती हूं मैं नौजवानों से मिलती हूं, सड़कों पर, चौराहों पे, बाजारों में मैं पूछती हूं, क्या आपको रोजगार मिला? मुझे 1 भी नौजवान नहीं मिला है जिसने मुझे जवाब दिया कि पिछले 5 सालों के भाजपा के शासन में उन्हें सरकारी रोजगार मिला है। इनके शासन में 24 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। इन्होंने बात की थी 5 साल पहले किसानों की आमदनी की, कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी की जाएगी। इनके 5 साल के शासन में किसान कर्ज में डूब रहा है,
12,000 किसानों ने आत्महत्या की, अपना उपज का दाम नहीं मिलता समय पर बीज और खाद नहीं मिलता। और आज किसान की यह परिस्थिति है कि तमाम प्रदेशों में आवारा पशु की समस्या पे से जूझ रहा है और सरकार सहायता नहीं करती। कहीं एक बार सरकार ने किसी किसान की सहायता की हो जब वे कर्ज में डूब रहा हो तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। हजारों किसान मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, हर प्रदेश से हजारों किसान पैदल चल के आए दिल्ली तक, और उनकी सिर्फ एक मांग थी कि प्रधानमंत्री जी उनकी बात सुन लें, उनकी समस्याओं को सुन लें। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पांच मिनट का समय नहीं निकाला कि वह उन किसानों की बात सुन तक लें, उनकी समस्याओं के बारे में समझ लें कि किस तरह से वो हल कर सके। आप सब ने अपने ही प्रदेश में देखा है कि किसान कितना प्रताड़ित है। गन्ने किसानों का बकाया है, पॉपुलर का दाम भी नहीं मिलता। लेकिन जब जब इस चुनाव के प्रचार में भाजपा के नेता निकलते हैं तो कभी इन बातों के बारे में आपसे कहते नहीं, कभी ये नहीं कहते कि इन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे क्यों नहीं हुए। वह अलग अलग मुद्दे उठाते हैं, कभी कहते हैं कि 70 साल से हाथी सो रहा है, कभी शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं तो कभी मेरे परिवार के शहीद सदस्यों का अपमान करते हैं, लेकिन आपकी जरूरतों की बात नहीं करते। ये कभी नहीं कहते कि जनता की क्या समस्याएं हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं जिन्हें हल करना चाहिए। अफसोस, ये चुनाव किसी एक परिवार के बारे में नहीं है, ये चुनाव उन करोड़ों परिवारों के बारे में है जिनकी उम्मीदें, जिनकी आशाएं इस सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने पूरी तरह से तोड़ डाली हैं। ये चुनाव भाजपा की केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में है, और अपनी असफलता छुपाने के लिए ये देश का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है, इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। उन्हें जब सच्चाई दिखाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें समझाने के लिए गए तो कृष्ण जी को भी उन्होंने बंधक करने की कोशिश की। इसी अहंकार पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए। जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हां हां दुर्योधन बांध मुझे। हमारी देश की जनता, हमारी देश की जनता में बहुत विवेक है। ये विवेक कोई नया विवेक नहीं है, ये विवेक आज का विवेक नहीं है, ये सदियों पुराना विवेक है जो महाभारत में भी लिखा है। इस जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। इस देश की जनता हर नेता को जवाबदेह बनाती है और आपको भी जवाबदेह बनाएगी। कांग्रेस ये चुनाव मुद्दों पर लड़ रही है, ये चुनाव जनता की जरूरतों पर लड़ रही है, ये चुनाव इस सच्चाई पर लड़ रही है कि जनता की समस्याओं को हल करने के लिए भाजपा की सरकार ने 5 सालों से कुछ नहीं किया। इनके बड़े बड़े नेता विदेश में घूमते हैं, अमेरिका जाते हैं, जापान जाते हैं, पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, जापान में ढोल बजाते हैं,
चीन में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ गले लगते हैं, लेकिन इनके बड़े बड़े नेता कभी इस देश की जनता के बीच नहीं जाते। एक ऐसा गांव नहीं है जिसमें ये गए हैं, जिसमें जाकर इन्होंने या अब हमारे देश हिंदुस्तान के किसानों, हिंदुस्तान के नौजवानों, हिंदुस्तान की महिलाओं से ये पूछा हो कि आप कैसे जी रहे हैं, आप किन मुसीबतों से गुजर रहे हैं, हम आपकी समस्याओं के हल के लिए क्या कर सकते हैं। यही सच्चाई है इस सरकार की और यही सच्चाई है इस प्रधानमंत्री की। इसीलिए आज चुनाव के मौके पर आप सबका ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं और आपकी समस्याओं से दूर करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा पत्र निकाला है, उस घोषणा पत्र के लिए राहुल गांधी जी ने कांग्रेस के नेताओं को देश भर में भेजा। एक साल से उन्होंने काम किया ताकि किसी एक नेता की आवाज नहीं, इस देश की जनता की आवाज उस घोषणा पत्र में आए। इसीलिए चुनाव प्रचार करते हुए मैं आपको इस घोषणा पत्र की कुछ उपलब्धियों के बारे में बताना चाहती हूं। इसमें जो सबसे बड़ी योजना घोषित है उसका नाम न्याय है। न्याय का मतलब न्यूनतम आय योजना। न्यूनतम आय योजना के जरिए देश के हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए सालाना कांग्रेस की सरकार देगी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा ऐलान किया था पिछले चुनाव में। उन्होंने कहा था कि आपकी जेब में, आपके खातों में 15,00,000 रुपए डाले जाएंगे। जरा बताइए आपको मिले वो 15,00,000 रुपए? आपसे धोखा हुआ कि नहीं? आपको मालूम है, आपको मालूम है, आपको मालूम है कि आपकी किसान बीमा से 10,000 करोड़ रुपए का फायदा किसी उद्योगपति को हुआ है? आपको मालूम है कि 15,00,000 देने के बजाय आपसे पैसे लिए गए हैं और आपसे लेकर इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए गए हैं? और जब आप पे आपत्ति आती है, जब आपके खेतों का नुकसान होता है, तो आपको वो बीमा नहीं दिखती, आपको वो पैसे नहीं दिखते। इसी तरह से जो 15,00,000 रुपए की बात इन्होंने की थी, इन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव के बाद कहा कि वो जुमला था। इनकी इतनी हिम्मत कि पूरे देश भर में आपके सामने प्रचार किया और चुनाव के एकदम बाद ये कह दिया कि वो बड़ा जुमला था और उसका कुछ मतलब नहीं था। इसीलिए क्योंकि आपके साथ ऐसा धोखा हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने पूर्व वित्त मंत्रियों से पूछा कि आप ऐसी एक स्कीम निकालिए, एक ऐसी एक योजना निकालिए जो सच्ची हो, कि अगर हम देश के सामने उसे कहें, अगर हम जन जन को बताएं उसके बारे में, तो हम उसको सच्चाई में भी बदल पाएं। तो पूर्व वित्त मंत्रियों ने अपनी पूरी समझ से ये न्याय की योजना निकाली और इसमें जो 72,000 रुपए हर साल हर गरीब परिवार को दिए जाएंगे, मुझे बहुत खुशी है ये कहने में कि मेरी बहनों आपके खातों में जाएंगे। किसानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि एक अलग बजट बनेगी। जैसी रेल की बजट होती थी, वैसे किसान की बजट बनेगी और उस बजट के द्वारा हर साल किसानों को बताया जाएगा कि आपके लिए कितने पैसे सरकार दे रही है, कैसे दे रही है, कौन सी योजनाएं बना रही है और कब लागू होंगी। इससे आपकी बहुत सुविधा होगी। इसके साथ साथ आज अगर आप कर्ज में डूबते हैं और आप कर्ज लौटा नहीं पाते तो आपको जेल में डाला जाता है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि अगर उनकी सरकार आएगी तो कोई भी किसान जेल में नहीं डाला जाएगा। इस वजह से
कि उस पर ये कानून लागू ही नहीं हो पाएगा। जब कांग्रेस पार्टी ने किसान के कर्ज माफ करने की बात की तो भाजपा के बड़े बड़े नेता हंसने लगे। उन्होंने कहा देश की अर्थव्यवस्था में इसके लिए पैसे नहीं हैं। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, राहुल गांधी जी के कहने पर मात्र 3 दिन के अंदर अंदर वो कर्ज माफ होने शुरू हुए। और राहुल जी ने एक सवाल उठाया, राहुल जी ने भाजपा की सरकार से एक सवाल उठाया कि आप कहते हैं कि किसानों के लिए पैसे नहीं हैं, कि गरीबों के लिए आपके पास अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं हैं, तो बताइए इन 5 सालों में 550,000 करोड़ रुपए आपने कुछ गिने चुने उद्योगपतियों को कैसे माफ किए? और भाइयों और बहनों, इस सवाल का कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही नहीं है, क्योंकि ये सरकार एक जन विरोधी सरकार है, युवा विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है और एक किसान विरोधी सरकार है जिसने आपके लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये भी कहा है कि जो 24 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं उनको एक साल के अंदर अंदर 2020 के मार्च के महीने तक कांग्रेस पार्टी भर डालेगी। महिलाओं के लिए 33% सांसद में आरक्षण होगा। सरकारी अस्पतालों में जांच और इलाज की सुविधा आपको मुफ्त मिलेगी। सरकारी पाठशालाओं में आपके बच्चों की शिक्षा 12वीं कक्षा तक मुफ्त होगी। जो दुकानदार और छोटे उद्योगपति जिनके छोटे छोटे कारोबार हैं, जीएसटी और नोटबंदी से त्रस्त और परेशान हो चुके, उनके लिए कांग्रेस ने कहा है कि एक ही सरल जीएसटी होगी, कि आपको अब 10-10 टैक्से, अलग अलग टैक्से हर चीज के लिए नहीं भरनी पड़ेगी। तो कांग्रेस पार्टी ने ये स्पष्ट किया है कि ये चुनाव आपके लिए लड़ा जा रहा है, इस देश के लिए लड़ा जा रहा है, इस लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए लड़ा जा रहा है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति किसकी होती है बताइए? किसकी? आपकी। कहिए, हमारी। किसकी होती है सबसे बड़ी शक्ति? आपकी है सबसे बड़ी शक्ति। और सबसे बड़ी देशभक्ति यही है कि आप उस शक्ति को जिम्मेदारी से समझिए। ये सब कतार में लगना और ये जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं ये अलग हैं। देशभक्ति आपकी सबसे बड़ी आपकी जागरूकता है और इस देश की जनता हमेशा जागरूक रही है। मैं आपसे आग्रह करती हूं, ये चुनाव आप अपने मुद्दों पर लड़ाइए, आप अपने मुद्दों के प्रति जागरूक बनिए और जो नेता आपके सामने आता है उसे जवाबदेह बनाइए। इनकी हिम्मत है, अगर इनकी हिम्मत है भाजपा के प्रधानमंत्री की, तो इस चुनाव को मुद्दों पर लड़े, इस चुनाव को विकास पर लड़े, इस चुनाव को जनता की समस्याओं पर लड़े, इस चुनाव को किसान की जरूरतों पर लड़े, इस चुनाव को नौजवानों के रोजगार पर लड़े, इस चुनाव को महिलाओं की जरूरतों पर, उनकी कठिनाइयों पर लड़े और ये आपके सामने खड़े होकर यह कहे कि उन्होंने आपके लिए 5 सालों में किया क्या और वो भविष्य में करने क्या जा रहे हैं। ये जनता अतीत को जानती है, अच्छी तरह समझती है, ये अपने वर्तमान और अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रही है। आप प्रधानमंत्री हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के, तो आप समझ लीजिए इस बात को, नहीं तो जनता आपको अच्छी तरह से समझाने वाली है। तो मेरी बहनों और भाइयों,
बहुत भाषण दे दिया आपको, आपको दिल से मैं एक आग्रह करना चाहती हूं आपसे कि देखिए चुनाव का दिन आ रहा है, मेरी बातों को मत भूलिए। ये लोकतंत्र आपका है, इसको नष्ट करने की कोशिश हो रही है। और जब हम कहते हैं कि नष्ट होने की करने की कोशिश हो रही है, हमारा मतलब है कि जो संस्थाएं आपको सुरक्षित रखती हैं उनको नष्ट करने की कोशिश हो रही है। ये कोई आम चुनाव नहीं है, एक बहुत बड़ा चुनाव है। सोच समझ के अपना वोट डालिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए डालिए, अपने बच्चों को मजबूत बनाने के लिए डालिए, किसानों को और नौजवानों के लिए डालिए। तो आपका चुनाव के दिन जब आप शैलजा जी को भारी बहुमत से जिताएंगे तो ये समझ लीजिए कि आप अपने ही विकास का नींव डालेंगे, अपने देश को मजबूत बनाएंगे और अपने भविष्य को मजबूत बनाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।